4.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त प्राइस है ना, और है चोटी माशाल्लाह। चीजें इसके 6.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और इसके 11 इसके 11 लाख डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, मतलब वीडियो में तो समझ नहीं पड़ी लेकिन है बहुत बड़ी चीज। थोड़ा की मोल है प्रा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो अभी का सीन कुछ यूँ है कि आज है जुम्मे का दिन और मुझे पहुँचना है एक शादी पे, क्योंकि वो मेरा अबू ऑफिस में है और उन्होंने मुझे कहा है कि यार मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं थोड़े काम है, तो तुम चले जाओ मेरी जगह और हाजिर लगा लो और आ जाओ। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 20 कम 1, है अभी जुम्मे का दिन, तो बस जल्दी जा कर शादी अटेंड करूँ, फिर नमाज के लिए खुद को पहुँचा दूँ। दूसरी बात यह है कि KPK में और पेशावर में और पठानों में स्पेशल ये होता है कि शादी प्रोग्राम तो जल्दी स्टार्ट होता है, 12 तक स्टार्ट होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर बड़ा प्रोग्राम हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, तो फिर वो खाना 12 बजे स्टार्ट होता है और लेट तक चलता रहता है। तो ये यहाँ का रिवाज है। तो बस अभी तो ऐसे 20 कम 1 है, तो पहले जाता हूँ शादी अटेंड करता हूँ, फिर आगे नमाज़ पढ़ूँगा, क्योंकि ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ और फिर अबू से अलग बातें सुननी पड़े। बात तो सही है। तो ज़्यादा टाइम से है कि बगैर निकलता हूँ, मैं शादी अटेंड करता हूँ, फारिग होता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलता हूँ। A few inches later. हाँ, तो शादी वगैरह अटेंड करके मैं आ चुका हूँ अपने घर, लेकिन मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी हुई और टाइम हो रहा है 20 कम 2। लेकिन फ़ायदा ये है मेरा, मज़े की बात ये है कि हमारी मस्जिद में नमाज 2 तक होती है, या हाँ 2 बजे तक हमारी मस्जिद में नमाज़ होती है, करीबी मस्जिद में। तो हम तो दूर जाते हैं, हम जल्दी नमाज़ पढ़ के ख़ुद को फारिग करते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद में 2 बजे नमाज़ होती है। तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा के बगैर निकलता हूँ, अपनी मस्जिद की नमाज़ पकड़ता हूँ और नमाज़ पढ़ के फारिग होकर इंशाल्लाह फिर आपसे मिलता हूँ। तो बस नमाज़ पढ़ के मैं फारिग हो गया। तो अभी का सीन कुछ हुए हैं कि आज हम अभी हमारा कंटेंट दोबारा वापस आ गया, मंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हमारा सीन है किसी न किसी मंडी जाने का, तो काला मंडी या रिंग रोड मंडी, तो अब देखते हैं किस मंडी का प्लान बनता है। और लड़के सारे मौजूद है, अब देखते हैं करना क्या है, कौन सी मंडी जाना है। एंट्री के साथ हमें ये जो चोटी नज़र आ रही है, इसकी प्राइस है 2,80,000, लेकिन ये बड़ी एस्थेटिक है और बड़ी खूबसूरत भी है माशाल्लाह। कद मत से भी बराबर है और वेट से भी बराबर है। इसके प्राइस है 2,50,000, तो तकरीबन 2,50,000 कह रहे तो तकरीबन आपको 1,80,000 तक दे देंगे। लेकिन खूबसूरत है, बड़ा है, कद में थोड़ा कम है लेकिन उसमें बराबर है, वेट में बहुत ज़बरदस्त बराबर है। ये वो फार्मिंग के लिए जो गाय इस्तेमाल होती है वो है, लेकिन इन दोनों का 4 लाख, जो मतलब 4 लाख 1 का कह रहे तो 8 लाख का ही दोनों जोड़ा बेच रहे, सिंगल नहीं बेचते। ये 4 दाने हैं कि ये 2 और ये 3 4, ये नॉट फॉर सेल है। बाकी अगर इसका अगर प्राइस पूछे तो ये लोग 6-7 लाख से कम नहीं बताने वाले मेरे ख्याल से, 1-1 का। वो सबसे खूबसूरत ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉट फॉर सेल। ये खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है खूबसूरती की वजह से इसका प्राइस भी बढ़ ज़्यादा होगा। और इसको बेचे कम अज़ कम 2-4 लाख रुपये, 4-4 लाख रुपये अगर मांगेंगे तो मांगेंगे 4-4 लाख रुपये का। वाकई ये है भी आगे, ये इतना ख़ास नहीं है लेकिन ये है इंशाल्लाह। अभी 2 मिनट पहले जो मैंने कहा था कि ये 1,80,000 की बिक जाएगी, 2,50,000 डिमांड करें और 1,80,000 की बिक जाएगी, तो ये बिक गई है 2 लाख रुपए की फिक्स, किसी ने खैरात वगैरह के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर मेन काला मंडी में इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर माहौल ज़बरदस्त है, रश मश लगी हुई है। पिछले साल 21 मई को यही हिसाब नहीं था, लेकिन इस साल तकरीबन 3-4 मई को यही हिसाब है कि रश मश है। फिर जाते हैं आगे आगे देखते हैं चीज़ें। इसके 6.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और इसके 11 लाख डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, मतलब वीडियो में तो समझ नहीं पड़ी लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। थोड़ा की मोल है प्रा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।
3.5 लाख रुपए डिमांड करें, जरा भरा हुआ है समझ में आ रहा है क्या? 3.5 तक सही है, कम किए तो 3 तक 2.90 तक सकून से दे देंगे, पिछले इस साल के हिसाब से बस सही है साल भी। जर लग रहा है अंदर खड़ा हुआ है, इसकी 16 लाख डिमांड करें और है भी 16 लाख का, जमीन वमीने बेचें और आके जानवर दें 16 लाख। ये भगवान क्या जुलम है, बैठा हुआ इसको खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि मालिक इसके बैठे हैं, तो 7 लाख इसकी भी डिमांड करें। खूबसूरत है, खूबसूरती मैच है। माशाल्लाह, ये आप सो दे 4.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त प्राइस है ना, और है चोटी। उफ़ माशाल्लाह, उफ़ माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। अभी हम काला मंडी से निकल के छोटी मंडी में हैं, यहाँ पर जो सामने खड़ी हुई है इसका प्राइस वगैरह तो मालूम नहीं है, लेकिन मालिक इसका नहीं है इस वक्त से। बाकी ये खूबसूरत हैं, बड़ी हैं, वाइट भी खूबसूरत है, वहाँ पर दूसरी जो रंग बरंगी है वो भी ज़रा खूबसूरत है माशाल्लाह। रंगी मैं दिखा रहा था वही है माशाल्लाह। इसका मालिक कहते हैं कि दरबार निकला हुआ, इसकी प्राइस पता नहीं लगी लेकिन है खूबसूरत, मतलब कद में बराबर है और वेट में थोड़ा कम है। हेलो दादा, पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पाड़ के रख देंगा, तेन मैं पुत्र फना कर देंगा। ये 3,10,000 रुपए का है, बड़ा है, खूबसूरत है, भरा हुआ भी है और लंबे कद में भी ज़बरदस्त, रेट भी अच्छे है, लेकिन बस 2.50 तक सही है, ज़बरदस्त है। तो बस काला मंडी में ये सब चल रहा है, यही माहौल है, यही सब कुछ है और बाकी कुछ खास नहीं है। तो आज का ब्लॉग में रहते हैं, जस्ट ब्लॉग को सेंड कर दो, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़। कल नहीं बल्कि जब मैं जा रहा हूँ रिंग रोड मंडी, तो रिंग रोड मंडी का ब्लॉग भी मैंने दोबारा बनाना है, वो पार्ट वन ये हो गया, और यहाँ पर मुझे एक लंबा एक घोड़ा नज़र आया वो दिखाना है पहले। ये देखिए ज़रा, नॉट फॉर सेल। बाकी रिंग रोड के ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।